गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. करंट अफेयर्स 2018 में आपका स्वागत है. यहाँ पर गेस्ट ट्रेनिंग, आइए लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पर. तो आज के क्वेश्चन में आपको ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं. साथ ही कल का जो करंट न्यूज था वहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक और आंसर जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में. ये इन्फॉर्मेशन कोचिंग के बारे में है. देखिए, नया बैच अगले वीक में शुरू हो रहा है. स्टेपअप आईएएस इंस्टीट्यूट जो है वो मुखर्जी नगर दिल्ली में है. आप में से कुछ लोग जब आने का प्लान करेंगे तो वो अप्रोच कर सकते हैं इस गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर 8750069419 पर, या फिर हमारी वेबसाइट है stepupis.com, आप उसको विजिट कर सकते हैं. और इस सीरीज़ में इस यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ मिल सकते हैं. तो आप एक बार विजिट ज़रूर करेंगे प्लेलिस्ट में, एंड देन यू विल फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग योर स्टडीज़. चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है. इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे. पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इस क्वेश्चन के ऊपर. तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है कर्नाटक आंध्र प्रदेश का. आपको बताना है कि तुंगभद्रा जो रिवर है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है. ठीक है, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया है एक रिवर पर बनाया गया है, इसका नाम तुंगभद्रा है. तो आपको बताना है ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, कावेरी की, गोदावरी या फिर साबरमती. तो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर. फटाफट से गेस करें आंसर क्या होना चाहिए. द आंसर इज ए कृष्णा. कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी, उस पर ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया है, याद रखिएगा. आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल है सेवन पगोडाज. अभी ये न्यूज़ में है, क्यों है ये, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले आप इसका आंसर बताएंगे. यहाँ पर थ्री स्टेटमेंट गिवन है. सेवन पगोडाज से जुड़ा हुआ है ये स्टेटमेंट. पहला है कि ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है. इट इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु. सेकंड स्टेटमेंट यू विल हैव कि ये लॉर्ड विष्णु से एसोसिएटेड है. ये जो टेंपल है सेवन पगोडाज दैट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु. इसको आप सप्त पगोडा भी बोल सकते हैं हिंदी में. तो आपको बताना है स्टेटमेंट कौन सा सही होना चाहिए. और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर है कि सेवन पगोडाज जो है उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है. नाउ ऑप्शंस आर अवेलेबल वन एंड टू ओनली, या फिर सिर्फ थ्री जो है जो सही है और तीनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर वन एंड थ्री ओनली जो कि सही स्टेटमेंट है. तो अगर आपने सुना है कभी सेवन पगोडाज के बारे में तो आप आसानी से गेस कर पाएंगे कि ये कहाँ पर होना चाहिए. न्यूज़ में अगर आपको पता है कि क्यों है तब भी आप गेस कर सकते हैं स्टेटमेंट्स को. तो यहाँ पर राइट आंसर शुड बी डी, दैट मीन्स वन एंड थ्री ओनली. ये तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है सेवन पगोडास. न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जी जिंगपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनके एक इनफॉर्मल समिट है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, और वो चेन्नई में मामल्लपुरम में होने वाली है. इसी को महाबलीपुरम भी बोलते हैं और इसी को सेवन पगोडास भी बोलते हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के प्रस्पेक्टिव से. तो याद रखिएगा कि जो हिंदू जो रिलीजन है इसमें जब आप बात करते हैं महाभारत की तो वहाँ पर उन्हीं से एसोसिएटेड है ये टेंपल. नरसिंह देव वर्मन के द्वारा बनवाया गया था 7th सेंचुरी में. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आता है, तो इसलिए आपको तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही मिला है. पहला स्टेटमेंट इसलिए सही है क्योंकि ये तमिलनाडु में ही सिचुएटेड है. दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये लॉर्ड विष्णु नहीं बल्कि जो पांडव हैं पांच पांडव उनसे एसोसिएटेड है. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी. आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल आपके सामने है ट्रिपल बिलियन टारगेट. किस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान है ट्रिपल बिलियन टारगेट. जिसने भी करंट अफेयर्स का न्यूज़ देखा है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं इसका आंसर. वर्ल्ड बैंक, OECD, IMF या फिर इनमें से कोई भी नहीं. आंसर गेस कीजिए क्या होना चाहिए. वर्ल्ड बैंक, OECD, IMF या इनमें से कोई भी नहीं. ट्रिपल बिलियन टारगेट किससे संबंधित है. ऑप्शन आपके सामने है एंड द राइट आंसर इज डी, नन ऑफ देम. क्योंकि वहाँ पर WHO का ऑप्शन आपको नहीं था गिवन. तो हमेशा जरूरी नहीं कि नन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन है वो गलत ही होता है, वो कभी कभी सही भी होता है. WHO के द्वारा ट्रिपल बिलियन टारगेट रखा गया है एज अ स्ट्रेटेजिक प्लान जो अगले 5 सालों के लिए बनाया गया है. जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि इसमें 1-1 बिलियन लोगों को टारगेट किया जाएगा. यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो हेल्थ इमरजेंसीज है उसे प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उनके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए काम किया जाएगा, उनको कवरेज दिया जाएगा. तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं इस ट्रिपल बिलियन टारगेट में. ये मनी से संबंधित नहीं बल्कि हेल्थ से संबंधित है, ये ज़रूर याद रखिएगा. इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है, फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर हेल्थ. तो आपको याद रखना है कि हेल्थ से संबंधित है.
आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है जेमिनी डिवाइस। जेमिनी डिवाइस अगर आपने न्यूज़ में देखा है तो यू विल गॉट टू नो कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। जेमिनी डिवाइस, दो स्टेटमेंट गिवन है, ये डिवाइस है तो ऑब्वियसली डेवलप किया गया होगा। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसको डेवलप किया गया इसरो के द्वारा। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन को गेन करने में, गैदर करने में। किस चीज़ से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन? डिजास्टर वार्निंग्स जो होते हैं उससे जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करेगा। चार आपको ऑप्शन गिवन है कि इसमें सिर्फ पहला स्टेटमेंट है जो कि सही होना चाहिए क्योंकि इसको इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। आपको गेस करना है सही है या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाँ सिर्फ वही सही होना चाहिए कि इसके द्वारा डिजास्टर वार्निंग्स दिए जाएंगे। तीसरा है कि दोनों ही ऑप्शन सही है, और चौथा इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। गेस कीजिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए राइट आंसर। द राइट आंसर इज बी, दैट मीन्स टू ओनली, क्योंकि इसको इसरो के द्वारा डेवलप नहीं किया गया है बल्कि INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, और दूसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकली डिजाइन की हम बात करते हैं तो वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपको ये लग सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहा है, वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, तो हो सकता है कि DRDO या इसरो ने बनाया होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को याद रखना जरूरी है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है जेमिनी डिवाइस को, और इसका एम भी आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही एक और फैक्ट याद रखेंगे कि गगन सैटेलाइट के द्वारा इसको डाटा ट्रांसफर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ज्योग्राफी पर है, इंडियन ज्योग्राफी। आपको आइडेंटिफाई करना है प्लेट्यू का नाम चार स्टेटमेंट के आधार पर। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको प्लेट्यू को फाइंड आउट करना है। पहला स्टेटमेंट है दैट ये जो प्लेट्यू है लाइज टू द साउथ ऑफ द तापी, तापी के साउथ में उपस्थित है ये प्लेट्यू। तापी रिवर आपको गेस करना है, तापी रिवर के साउथ में। इट इज मेजरली अ लावा रीजन मेड अप ऑफ बासाल्ट, बासाल्ट से बना हुआ है। लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडियन पेनिनसुला में और कॉटन के कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होना चाहिए? तेलंगाना, डेक्कन, मालवा और दंडकारण्य। तो आपको गेस करना होगा सही प्लेट्यू कौन सा है इस गिवन इन्फॉर्मेशन के आधार पर। तो राइट आंसर इज बी, डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डेक्कन प्लेट्यू का ये इमेज है, ये है डेक्कन प्लेट्यू, इधर तापी रिवर है और ये बाकी सारे हाईलैंड्स और प्लेट्यूज आपको दिख रहे हैं। अगला सवाल है गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है कि किसको किसको सेपरेट करता है गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया, श्रीलंका, इंडिया ओमान, ईरान ओमान, इंडिया मालदीव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर बहुत ही आसान है, फटाफट बताइए आंसर क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली इंडिया एंड श्रीलंका इज द राइट आंसर फॉर गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम समय के लिए होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं उसको आप नोट करते जाएं। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, और पसंद आता है आपको तो लाइक।